जय श्री गणेशाय नमः। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राशिफल। बताऊंगी आपको आपका दिन कैसा रहेगा, क्या कुछ होगा खास, सारी बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि आज से फरवरी महीने की शुरुआत होने वाली है। देखते देखते साल 2024 भी आ गया और साल 2024 का दूसरा महीना भी आ गया। ये महीना बहुत ही खास है। सबसे पहले तो बता दूं कि आज जो है इस दिन की शुरुआत हो रही है गुरुवार के दिन से, विष्णु जी के दिन से। बहुत ही शुभ दिन है और फरवरी का पूरा महीना ही ग्रहों के गोचर से भरा हुआ है। कौन कौन से ग्रहों का गोचर हो रहा है, कब कब हो रहा है और आपकी राशि पर क्या असर पड़ेगा उसका, ये सारी जानकारियां आपको धर्मा लाइफ चैनल पर मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए कि कोई भी ऐसी जानकारी आए, कोई भी ऐसी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए सबसे पहले तो नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। ये तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है, अब बारी आपके राशिफल की। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले, महीने की पहली तारीख है यानी कि शुरुआत हो रही है नए महीने की। तो जैसा मैं हमेशा कहती हूं कि जब भी कोई नई चीज की शुरुआत हम करते हैं तो उसको अच्छे शुभ कार्यों से करना चाहिए, लोगों की ब्लेसिंग से करना चाहिए ताकि वो काम आपके लिए अच्छा रहे और आप उस काम में सक्सेस पाए। तो महीने में बहुत सारे, आप पूरे महीने की ही बात है, कुछ ना कुछ आपने अपने महीने के लिए प्लान किया होगा, कुछ ना कुछ सोचा होगा कि इस महीने में, फरवरी के महीने में ये करना है, इस तरीके की चीज़ें जो है स्टार्ट करनी है। तो कोशिश करनी है कि आज के दिन कुछ डोनेट ज़रूर करें और जो भी आप डोनेशन देंगे येलो कलर की चीज़ ज़रूर रखिएगा, यानी कि येलो कलर की चीज़, खाने की चीज़, पहनने की, किसी भी तरीके की ज़रूरत की चीज़, आप येलो कलर की चीज़ लोगों को, नीडी लोगों को दान ज़रूर दीजिएगा। दान देकर अपने जो है कोशिश करें कि आज के इस महीने के पहले दिन की शुरुआत करें। तो एक आप सभी को एक मैंने टिप दिया, एस्ट्रोलॉजिकल टिप। वैसे तो देखा जाए हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े भी कहते हैं दान का महत्व तो बहुत है, दान से बड़ा कोई पुण्य ही नहीं माना गया है। तो जितने भी कैपेबल है, ज़रूरी नहीं है कि दान मतलब आप सोने हीरे जवाहरात दें, तो दान से शुरुआत करें इस महीने की और फिर देखें कि जो आशीर्वाद की वर्षा आपके ऊपर होगी वो किस तरीके से आपके हर कार्य के विघ्न को दूर करेगा। चलिए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कार्यों से भरा रहेगा, नए कार्यों की शुरुआत होगी, काम की वजह से हेडेक ज्यादा रहेगा, आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की जरूरत है। आप अपने कंधे पर बहुत सारा काम लेने वाले हों और उन कामों को लेकर आप उलझ जाएंगे, तो कोशिश करें कि आपको टेंशन ना हो, तो इसीलिए प्री प्लानिंग करें और एक सही लाइफस्टाइल बनाने की जरूरत है, यानी कि एक रूटीन में आपको अपने लाइफ को लेकर आने की जरूरत होगी, तभी आप चीजों को बैलेंस कर पाएंगे। पारिवारिक थोड़े झमेले रहने वाले हैं जिसकी वजह से आप इरिटेटेड रहेंगे। लाइफ में लव की एंट्री है यानी कि कोई आ सकता है, आगमन है, सेहत का थोड़ा ख्याल रखिएगा, बदलते मौसम की मार पड़ सकती है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि विष्णु जी की पूजा जरूर करें। लकी कलर आपके लिए आज है येलो, लकी नंबर की बात करूँ वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। वृषभ राशि, सोच समझ कर बोलिएगा, परिवार के मदद की जरूरत पड़ सकती है, नई नई शादी हुई है तो कोई शुभ कार्य या धार्मिक चीजों में पार्टनर के साथ आप संलिप्त रहेंगे। आज के दिन कोशिश करनी है कि यात्रा से थोड़ा परहेज करें, यानी कोई ऐसी यात्रा जो आपने किसी ऐसे इंसान से मिले जिसे आप फर्स्ट टाइम मिलने जा रहे हैं, आज के दिन थोड़ा परहेज कीजिएगा। हेल्थ की बात की जाए तो गले या फिर आपको नाक से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करें पीले चने की दाल डोनेट करें, दान करें। लकी कलर की बात की जाए वो है रेड या येलो, लकी नंबर की बात करूं वो है 3 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मिथुन राशि, आपकी बुद्धि आज भ्रमित रहेगी तो कोशिश करें उन लोगों के साथ बैठने की, बातचीत करने की जिनसे आपको कुछ सही गाइडेंस मिलती है, जिन पर आप फुल्ली ट्रस्ट करते हैं। गलत लोगों के साथ बैठेंगे तो आज का दिन हो सकता है कि जो बुद्धि भ्रमित है ना, आपको और भी डिसीजन लेने में दिक्कतें आ जाएंगी, थोड़ा ध्यान देना होगा। आज के दिन यात्रा के योग हैं, यात्रा आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी। कार्य का बोझ, काम का बोझ आपके कंधों पर आज ज्यादा रहेगा। आज के दिन पार्टनर के साथ या परिवार के साथ मधुर भाषा का इस्तेमाल कीजिएगा। लकी की महा उपाय की बात की जाए तो आज के दिन को खास बनाना चाहते हैं, हल्दी का टीका माथे पर जरूर लगाइएगा। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए व्हाइट या येलो, लकी नंबर की बात करूं वो है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कर्क राशि, चिंताएं दूर होने वाली हैं, आज के दिन नए लोगों से मिलना संभव है, किसी फंक्शन आदि को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं, खुशियां जीवन में एंट्री लेंगी। यात्रा करते टाइम कार या बाइक चलाते हैं तो बहुत ही सावधानी से, क्योंकि चोट आदि लगने की
जो है संभावना बन रही है। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लें। लकी कलर आपके लिए आज है ग्रीन। लकी नंबर की बात करूं है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। सिंह राशि, सिंह राशि वाले आज के दिन सोच समझ कर चलिएगा, क्योंकि आज के दिन हो सकता है कि आपके ऊपर जो है किसी की बातों का बहुत ज्यादा असर पड़े, तो दूसरों की बातों में आकर कोई भी काम मत कीजिएगा, अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिएगा। जहां फंसे आपके घर में जो बड़े हैं जो, या आप जिनको गुरु मानते हैं, जिन पर आपको ट्रस्ट है, उनसे बात कीजिएगा। यात्रा कार्य जो व्यापारी हैं उनकी यात्राएं आज बनने वाली हैं। साथ ही साथ लव लाइफ में आज का दिन अच्छा बीतेगा। मैरिड लोगों के बीच में तू-तू मैं-मैं हो सकती है। महाउपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज के दिन कोशिश करें कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथा संभव जाप करें। लकी कलर की बात करें वो है आज आपके लिए रेड। लकी नंबर की बात करूं है 1 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कन्या राशि, कन्या राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। आज के दिन आपके कार्य जो है वो बनते चले जाएंगे। सेहत का ख्याल रखना है आज के दिन, सेहत से जुड़ी सावधानियां बहुत जरूरी है। अपनी बातों को साफ साफ लोगों के सामने रखने में थोड़ी सी दिक्कत आज आएगी आपको, यानी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, गलत आकेंगे। पार्टनर के साथ या परिवार के साथ जो है आज का दिन जो है थोड़ा टफ जाने वाला है। महाउपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो कोशिश करें कि छोटी कन्याओं को या फिर बुजुर्गों को पीले रंग की मिठाई खिलाएं। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए रेड या येलो। लकी नंबर की बात करूं वह 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तुला राशि, तुला राशि वाले निश्चिंत हो जाइए। आज के दिन पुराने जितने भी पेंडिंग कार्य थे वो आपके होंगे, यानी आज उसको आप कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। छोटों के साथ आपकी अच्छी बनने वाली है। आज के दिन रख रखाव को लेकर जरूर कोई टोकेगा। कोशिश करनी है कि नए कार्य की शुरुआत की है तो बड़ा रिस्क लेने से बचिए। महाउपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज के दिन माता पिता या बड़ों के आशीर्वाद से दिन की शुरुआत करें। लकी कलर आपके लिए आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं है 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले आज के दिन दांत से जुड़ी दिक्कतें आएंगी, दांत या मुंह से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, बहुत ध्यान देना है। आज के दिन कोई घर परिवार के सदस्य की परेशानी आपकी चिंता का विषय बनने वाली है, तो घर परिवार में अगर आप किसी से क्लोज हैं बातचीत करें और पहले से ही उनकी समस्याओं को जानकर उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करें। नए कार्यों की शुरुआत की है, नए जॉब की, नए बिजनेस की शुरुआत की है तो आज के दिन यात्रा करने से बचना है। बाकी किसी फंक्शन को, किसी कार्य जो है आप धार्मिक किसी चीज को अटेंड करने के लिए जा सकते हैं। महाउपाय, दिन को खास बनाना चाहते हैं तो आज के दिन क्या आपको करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस बीज मंत्र का आपको 108 बार सुबह सुबह उच्चारण करना है। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए आज ब्लू। लकी नंबर की बात करूं वो है 2 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। धनुराशि, धनुराशि वाले आज के दिन चर्चा का विषय बनने वाले हैं, यानी पुराने कार्य जितने भी आपने अच्छे कार्य किए हैं जिसका आपको अभी तक उसकी प्रशंसा नहीं मिली है, उसके लिए आपको सराहा नहीं गया है, वो सारी चीजें आज आपके साथ होंगी। यानी काम धंधे के मामले में तो दिन अच्छा है, लेकिन इसका उलट है, पारिवारिक जगह पर आज देखा जाए तो आज के दिन कोई आप में कमी ढूंढेगा या आपकी पुरानी कही गई बात को लेकर आज लड़ाई झगड़े के योग बन रहे हैं, थोड़ा वहां ध्यान देने की जरूरत है, बैलेंस बनाना होगा। यानी प्रोफेशनल लाइफ ठीक है, पर्सनल लाइफ में इश्यूज आने वाले हैं तो स्मार्टली हैंडल कीजिएगा। सेहत की बात करें आज के दिन बॉडी के राइट साइड में थोड़ी दिक्कतें आएंगी, जरूर ध्यान दें। पैसों के मामले में किसी पर ज्यादा विश्वास करके निवेश करने से बचना है। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, सूर्य देवता को तांबे के लोटे से जल दीजिए और जल में एक चुटकी हल्दी जरूर मिलाएगा। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए मरून या आप डार्क रेड एकदम इस्तेमाल कर सकते हैं। लकी नंबर की बात की जाए वो है आपके लिए 5 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मकर राशि, मकर राशि वाले चिंता आज मन पे हावी रहेगी। ये चिंता पारिवारिक होने वाली है, प्रोफेशनल नहीं। प्रोफेशनल लाइफ में आप ठीक रहेंगे, पारिवारिक जीवन में आज के दिन चिंताएं हावी रहने वाली। कोशिश करें बड़ों के साथ बात करने की, कितना चिंता चिता के समान है, तो चिंता मत कीजिए। आपकी जो भी परेशानी है उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उस पर काम कीजिए। जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली जो है सॉल्यूशन आ जाता है आपकी परेशानियों का, तो सॉल्यूशन के बारे में सोचिए। बाकी सेहत की बात की जाए आज के दिन गले से या आपको पैर से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। महाउपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन क्या करना है, आपको पीले रंग की चीज़ें डोनेट करें। लकी कलर की बात की जाए वो है आपके लिए येलो। लकी नंबर की बात करूँ है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले आज आपके ऊपर
किसी तरीके का लांछन लग सकता है, तो बच के रहने की जरूरत है। साथ ही साथ आज के दिन कोई भी बुद्धिमानी, ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं कीजिए, लेकिन चालाकी नहीं दिखानी है, यानी किसी का गलत करने के बारे में मत सोचिएगा, नहीं तो डबल गलत आपके साथ हो जाएगा। आज का दिन परिवार में किसी की सेहत को लेकर आप चिंतित रहेंगे, पार्टनर के लिए कुछ खरीदारी संभव है, साथ ही साथ आज के दिन पुराने दोस्त यारों से मिलना संभव है। महा उपाय, दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज के दिन क्या करना है, आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का यथासंभव जाप करना है। लकी कलर आपके लिए आज है रेड। लकी नंबर की बात करूं, वह 1 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए आज का दिन जो है मिला जुला रहने वाला है। दिन का पूर्वार्ध जो है हर चीज के लिए ठीक है, लेकिन उत्तरार्ध होते ही यानी कि दोपहर के बाद से ही चीजें आपके लिए टफ होंगी, हेल्थ डाउन लगेगा, काम में मन नहीं लगेगा, लगेगा परेशानियां आ गई, अभी तक तो सब चीजें ठीक चल रही थी। कोशिश करनी है कि प्री प्लानिंग आपके दिन की बेहतरीन होनी चाहिए ताकि पूर्वार्ध में सारी चीजें कर ले, कि जब प्रॉब्लम आए तब आप खाली रहें और उस प्रॉब्लम को आराम से डील करें। तो फर्स्ट हाफ में चीजें आप सॉल्व कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट काम है फर्स्ट हाफ में कीजिए, सेकेंड हाफ में थोड़ा अपने माइंड को कूल काम रखिए, धार्मिक चीजों में लिप्त रहिए, कोशिश करें कि मंदिर विजिट कर सकते हैं तो शाम के समय मंदिर जाएगा। उपाय के तौर पर यही है रेमेडी कि आज कोशिश करें कि किसी धार्मिक स्थल की यात्रा करें, मंदिर जाएं या घर के मंदिर पर ही आप बैठे जो इष्ट है उनकी आराधना करें आप, ये आपके लिए बेहतरीन है। लाभ के लिए लकी कलर की बात की जाए वो है व्हाइट, लकी नंबर की बात करूं वो है 4 और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। तो जाना हमने कि आज का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अब जाते जाते सवाल ले लेते हैं। हमारे एक व्यूअर ने सवाल पूछा था कि शादी के कुछ उपाय बताइए, हमारी शादी नहीं हो पा रही है तो शादी के क्या उपाय होने चाहिए और शादी के लिए कौन से देवता की पूजा की जानी चाहिए। तो सबसे पहली चीज, ये लड़की ने एक कॉमेंट किया हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, लेकिन हमारे जो आप रेगुलर व्यूअर हैं आपके सवाल का मैं जवाब जरूर दूंगी। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम बात करें तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप गुरुवार के दिन जो है आप सिर धोकर जरूर नहाइए, बाल धोकर नहाइए, अपने हेड वॉश जरूर कीजिए, ऐसा करने से शादी के योग बनते हैं। और साथ ही साथ 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं, व्रत कीजिए। अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं, आप 16 सोमवार नहीं कर सकती हैं, आप वर्किंग हैं, किसी भी तरीके से आपको दिक्कत है फास्ट करने में, फास्ट नहीं कर सकती, तो थर्सडे के दिन हेड वॉश कीजिए। और साथ ही साथ आपको माता लक्ष्मी की पूजा निरंतर करनी है हर फ्राइडे, और आपको बांसुरी जो है या फिर श्रृंगार की चीजें श्री कृष्ण को अर्पित करनी है। श्री कृष्ण से बड़ा जो है चमत्कारी नहीं हो सकता कोई भी, तो उनके चमत्कार से आपकी चीजें भी बन जाएंगी। और कोशिश करें कि माता लक्ष्मी श्री कृष्ण की पूजा करें और थर्सडे के दिन जो है आप हेड वॉश करें, और साथ ही साथ आपको सुहागिन महिलाओं की ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। तो ये कुछ रेमेडीज हैं, करके देखिए, बिल्कुल भी तामझाम नहीं इन रेमेडीज में।